इटली में 7 स्टेट्स हुआ करते थे, जिसमें से सार्डिनिया पीडमोंट उनका इकलौता राज्य था जहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस रूल किया करते थे। इटली के बेसिकली 3 रीजन थे, नॉर्थ इटली जो ऑस्ट्रिया के अंदर था, साउथ इटली जो स्पेन के अंदर था, और सेंट्रल इटली जहां पर पोप रूल किया करते थे। ग्वासिपी माजरी ने अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई ताकि इटली को यूनिफाई किया जा सके, लेकिन उनकी अंडरग्राउंड सोसाइटीज लाइक यंग इटली और यंग यूरोप दोनों ही सोसाइटीज फेल हो जाती हैं अपने मकसद को पूरा करने में। इसके बाद इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल II को दी जाती है। विक्टर इमैनुअल II काउंट केवर को ऑर्डर करते हैं और काउंट केवर बड़ा टैक्टफुली फ्रांस की मदद से यहां पर ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं और नॉर्थ इटली को आजाद करवा देते हैं। साउथ इटली में गैरिबाल्डी भी लोकल लोगों के सपोर्ट के साथ जो बूर्बोन किंग ऑफ स्पेन होते हैं उनको हराकर साउथ इटली को आजाद कर देते हैं। नॉर्थ और साउथ इटली की आजादी को देखते हुए सेंट्रल इटली में पोप अपने आप गति छोड़ देते हैं और इस तरीके से इटली यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है इन द ईयर 1861 और विक्टर इमैनुअल II को इटली का राजा बना दिया जाता है।